जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो सत्संग है, जो संगत आंटी जी ने किया है, उस सत्संग में उन्होंने बताया है किस तरह से उन्होंने जब गुरु जी की जोत बत्ती नहीं की और किस तरह से उन्होंने गुरु जी ने उनका घर जलने से बचाया, दुर्घटना से उन्हें बचाया। तो उन्होंने वो सब कुछ दिखाया भी है इस वीडियो में, आप देख सकते हो। जो आने वाले आप सत्संग वो करने लगे हैं उसमें आप देख सकते हो, उन्होंने सब कुछ दिखाया है। तो अगर इस तरह से आप भी कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप किसी भी फॉर्म में, ऑडियो वीडियो फॉर्म में या रिटर्न फॉर्म में आप भेज सकते हैं, ताकि संगत जी के साथ वो सत्संग आपका शेयर हो सके। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आप कोई भी सत्संग आपके पास आए तो आप उसे सुन के ब्लेसिंग्स गुरु जी की ले सकें। जय गुरु जी। मुझे भी नहीं पता चलता, अभी जस्ट कुछ ही दिनों की, दो चार दिन की बात है, वेनसडे की। मैंने गुरु जी के ना रोज जोत जलाती हूँ, वो जो जलती है वो उठाती हूँ तो उसमें रख देती हूँ, और तीली वगैरह भी जैसे हो जाती है। इतने टाइम से कर रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो उसमें ना काफी सामान था, मैंने भी ऐसी जोत जलाई, वो करके मैं बंद करके ना मैंने कहा आज मैं जल्दी रेडी हो गई हूँ। 6:30-7 बजे थे और रितिका की मैंने 8 बजे लंच पैक करना होता है। मैंने कहा मेरे पास टाइम है, मैं नहा भी बैठी हूँ। मैं ना पैदल पैदल जंगलों वाली माता जी पे चली गई, वहाँ 15 मिनट मुझे जाने में लगते हैं, 15 मिनट आने में लगते हैं, आधा घंटा हो गया। उसके बाद मैंने कहा गुरु जी आज का दिन बड़ा अच्छा निकालना, अभी मुझे आज मेरा दिन ऐसे मुझे पता भी ना चले बहुत अच्छा। तो मैंने ना उस दिन शाम को सत्संग आ गया जगाधरी में, मुझे 3 बजे मुझे फोन आया प्रतीका का कि ऐसे ना सत्संग है, वहां जाना है। मैंने कहा चलो मैं फ्री हूँ, मैंने कहा जय गुरु जी भी आज चलो सत्संग मिल जाए, तो इससे अच्छी तो कोई दिन ही नहीं होता। मैं वहां चली गई, वहां से मेरे को वापसी आते 9 बज गए, मैंने शाम की ना जोत नहीं जलाई। तो मैंने कहा गुरु जी आज माफ करना, भी वहां पे हो गई एक ही बात है, आपकी जोत हो गई। नेक्स्ट डे सुबह नहा धो के जब मैं जोत जलाने आई, मैं अभी दिखाती हूँ मैं क्या देखा। मैंने जो मेरा अंदर का वो सामान था पूरा जला हुआ, जो मैंने घी की डिब्बी मेरी प्लास्टिक की थी वो हाफ जल गई, लेकिन गुरुजी ने वो जली भी अपने आप ही। मैं नहीं मान सकती कि अगर लकड़ी का वो था, गुरुजी ने कुछ भी नहीं दिया, वो मेरा सारा सामान जल गया। वो घी की डिब्बी, अगर घी को आग लग जाती है ना तो वो तो बुझती भी नहीं है। पता नहीं गुरुजी ने वो कष्ट आया भी और कब चला गया मुझे पता ही नहीं, मुझे नेक्स्ट डे पता चल रहा है जब मैं जोत जलाने बैठी। तो मैं अभी दिखा, मैंने वो ना रखा हुआ है अभी बांध के कि वो प्रवाहित कर दूंगी, मैं दिखाती हूँ। आप मान नहीं सकते प्लास्टिक में कैसे वो लग गया भी? अब और अंदर घी है इसमें, ये नहीं है कि भी घी नहीं था, वो अपने आप ही कैसे, अगर हम लोग सब्जी भी बनाते हैं ना तो घी में एक बार वो लग जाए ना, ये देखो ये देखो, और अपने आप ही बुझ भी गया, और पूरा दिन मैंने देखा ही नहीं उसको। लग सकता था पिछले सत्संग में हमने सत्संग करना था, ये देखो अभी इसमें, ये देखो ये भी था, लीवर की प्रॉब्लम थी, आपको कुछ नहीं होगा। तीन दिन से ना मैं इतनी परेशान, नहीं समझ आ रहा, चुप हो भाई, बोल ना करो प्लीज। उनकी ना वो स्कैनोकॉपी होनी थी, स्कैनोकॉपी, तो मेरे को सुबह सुबह इनको आए फिर मुझे सपने में कहते हैं मैं तेरे नाम लेगा टेंशन नहीं लेना। मैंने इनको कहा, मैंने कहा कुछ नहीं होएगा, सब ठीक होएगा, गुरु जी हमारे साथ हैं। जब भी मैं गई हॉस्पिटल गई, लेकिन उनको डर रहे थे, मेरे को बिल्कुल नहीं हुए, लेकिन मैं कहती गुरु जी की कृपा ना, लड़ना बढ़िया होया, उन्होंने टेस्ट करना अच्छा होया, उन्होंने जो भी उन्होंने की तरह तुम्हारी रिपोर्ट इतनी अच्छी आई है, मैं मान नहीं सकती कि कैसे। और हम बहुत परेशान हुए, महीने हो गए मेरे को परेशान हुए। 10 दिन लंगर प्रसाद खा के आए हैं, बड़े मंदिर गए हैं, वहाँ से आके जल प्रसाद दिया, लौटते थे नहाते हैं,
लेकिन जो आज उन्होंने स्कैनर कॉपी करी ना इसके ऊपर, तो मैं कहती हूँ कुछ नहीं आया हमें लीवर में, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा इतना टेस्ट अच्छा हुआ है कि कोई कमी नहीं हुई, बहुत मैं मान नहीं सकती थी ऐसा। रिपोर्ट सही आ गई लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आई। गुरु जी का चमत्कार, शुक्राना ऊपर वाले, शुक्राना मेरे गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।